हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सावल फ्रॉम यशी ट्रैक्स। हमारा आज का टॉपिक है व्हाट्सएप स्टिकर्स। सो यदि आपको ऑलरेडी अगर ये बात पता है कि व्हाट्सएप स्टिकर्स कैसे बनाए जाते हैं, कस्टम स्टिकर्स, तो आप ये टॉपिक स्किप कर सकते हो। यदि नहीं पता तो आप इसे ज़रूर देखिए। तो चलिए देखते हैं व्हाट्सएप कस्टम स्टिकर्स कैसे बनते हैं। तो कस्टम स्टिकर्स आपने देखा होगा, जैसा भी यहाँ पे दिख रहा है, जो यहाँ पे एक करंट इमेज आपको दिख रही है वो है व्हाट्सएप स्टिकर। तो इसके लिए हमको लगती है सबसे पहले तो पीएनजी फाइल। पीएनजी फाइल क्वालिटी की होती है और ट्रांसपेरेंट होती है, और इसके लिए आपको ज़रूरी है ये ऐप पर्सनल स्टिकर्स फॉर व्हाट्सएप। ये ऐप आपको आसानी से मिल जाएंगी फ्री में प्ले स्टोर में। ये देखिए, ये ऐप मेरे पास पहले से ही है, इसलिए मुझे अपडेट का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप ये ऐप डाउनलोड कर लोगे तो आपको फ्री में मिल जाएगी गूगल प्ले स्टोर में। तो चलिए देखते हैं कस्टम स्टिकर्स कैसे बनाए जाते हैं। साथ में दोस्तों आपको और एक ऐप लगेगी, वो है बैकग्राउंड रिमूवर, बैकग्राउंड इरेजर या बैकग्राउंड रिमूवर। इस टाइप के आपको काफ़ी सारे ऐप्स अवेलेबल मिल जाएगी प्ले स्टोर में। ठीक है, अभी के लिए हम लोग कुछ इमेजेस डाउनलोड कर लेते हैं, जैसा मैंने ऑलरेडी किया है अभी, जस्ट फ्लावर्स इमेजेस मैंने डाउनलोड किया है। तो देखते हैं, इसे मैंने डाउनलोड करके, ये देखिए रिसेंट में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये इमेज पीएनजी इमेज है, ये इसका बैकग्राउंड ब्लैक नहीं है, उसका फॉर्मेट पीएनजी होना ज़रूरी है। अगर हम लोग डिटेल्स देखेंगे इमेज की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फाइल इन्फो जो है लिखा हुआ, इसका जो फॉर्मेट है वो पीएनजी है, तो पीएनजी फॉर्मेट होना ज़रूरी है। इसे हमने सेव कर लिया है सेव इमेजेस में। तो अभी यहाँ पे मेरे पास तीन इमेजेस है। अभी चलते हैं हम लोग पर्सनल स्टिकर में। यहाँ पे देखिए सेव इमेजेस नाम का जो मेरा फोल्डर है, इसमें आपको तीन इमेजेस यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पे तीन इमेजेस कम से कम होना ज़रूरी है। चलिए इसको ऐड करके देखते हैं हम लोग व्हाट्सएप स्टिकर में। अभी फ़िलहाल एक मिनट चलते हैं हम लोग व्हाट्सएप में। अभी यहाँ पे नीचे में आपको तीन ऑप्शन दिख रहे होंगे, एक स्माइली, एक जीफ और दूसरा व्हाट्सएप स्टिकर। अगर व्हाट्सएप स्टिकर का ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो आप अपने व्हाट्सएप को अपडेट करिए गूगल प्ले में जाके। तो ये व्हाट्सएप स्टिकर पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं एज ऑफ नो यहाँ पे पांच इमेजेस है। ठीक है, जो मैंने पहले से ऐड किया था। अभी हम लोग चलते हैं यहाँ पे, ये जो सेव इमेजेस में तीन इमेजेस दिख रहे हैं उसको ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए, वुड यू लाइक टू ऐड सेव इमेजेस टू व्हाट्सएप ऐड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक राइट टिक का ऑप्शन आया हुआ है, इसका मतलब है ये इमेजेस हमारे व्हाट्सएप में ऐड हो गई होगी। एक बार ये सारी ऐप्स बंद कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं। स्टिकर में मैं जा रहा हूँ, देखिए टॉप में ऑप्शन आ गया था। तो यहाँ पे देखिए ये तीनों इमेजेस ऐड हो गई है। ये देखिए कितना अच्छा लगता है, ट्रांसपेरेंट इमेजेस है, पीएनजी इमेजेस ट्रांसपेरेंट होती है और क्वालिटी की होती है। तो ऐसा आप आपके फ़ोटोज़ भी बना सकते हो, या नेट पे काफ़ी पीएनजी इमेजेस मिलती है, अच्छी अच्छी मिलती है, तो उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत आसान है, गूगल पे आप सर्च करिए आर्ट इमेजेस, ये देखिए काफ़ी अच्छी अच्छी इमेजेस आती है।
सिंपल ओपन करना है, क्लिक करना है, डाउनलोड इमेज बोलना है, नहीं वो जेपीजी थी, जेपीजी नहीं चाहिए दोस्तों, याद रखिएगा हमको इमेज जो चाहिए वो पीएनजी चाहिए, इसका फॉर्मेट पीएनजी होना ज़रूरी है। ये देखिए ये रंगोली है, ये आई होप कि ये पीएनजी हो, इसको डाउनलोड करके देखते हैं हम। ठीक है डाउनलोड हो गई है, डाउनलोड फोल्डर में चलते हैं। देखिए इसका फॉर्मेट आपको दिख रहा है ऑलरेडी, ये पीएनजी इमेज है। ठीक है मोर में जा के डिटेल्स में अगर हम लोग देखेंगे तो इसका फॉर्मेट पीएनजी है, इसको सेव कर लेते हैं तो एक गैलरी में सेव हो जाएगा। ये देखिए यहाँ ये सेव हो गया, इसे मैं सेंड करता हूँ ऐड टू एल्बम में करता हूँ, सेव इमेजेस में ही मैंने डाल दिया है। आई होप कि ये ऑलरेडी यहाँ पे तो नहीं आया होगा, चलिए ऐड करके देखते हैं। ठीक है इमेजेस, ये देखिए ये स्टिकर, ये जो था व्हाट्सएप का जो ये फोल्डर था ये अपडेट हो गया और यहाँ पे हमारी चौथी इमेज आ गई है। ये ट्रांसपेरेंट नहीं है लेकिन उसका फॉर्मेट पीएनजी है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अगर आपको पसंद आया तो। थैंक यू।